कोयटा से ताल्लुक रखने वाली नौजवान हिदायतकारा जैनब यूनुस की कामयाबी बलूचिस्तान की खवातीन में नई उमंग और हौसला पैदा कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहिबुल्ला खान। सिर्फ नाजुक सिर्फ सजा सवार कर रखने की शे नहीं बल्कि ये तो आसमान की बुलंदियों को छूने का हौसला रखती है। मिलिए कोयटा से ताल्लुक रखने वाली नौजवान फिल्म हिदायतकार जैनब यूनुस से, जिन्होंने रिवायत से हटकर कुछ नया करने का सोचा और हिदायतकारी जैसे मुश्किल शोबे में अपने हुनर का लोहा मनवा रही है। मुझे फोटोग्राफी का शौक था बहुत, और साथ साथ फिर मैंने व्लॉगिंग की, और फिर मुझे लगा की क्यूँ ना मैं इस चीज को एक प्रॉपर मीडियम पे लेकर आऊँ, और फिर तब मैंने जो है वो फिल्म मेकिंग का आगाज किया बलूचिस्तान से। जैनब यूनुस ओमान में मुनक्किदा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन हिदायतकारी पर अवार्ड हासिल करके बलूचिस्तान का नाम रोशन कर चुकी है। बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, सब जानते हैं कि खवातीन को बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जैनब यूनुस ने अपने लिए एक, अपने लिए नहीं बल्कि तमाम फीमेल्स के लिए, बलूचिस्तान की फीमेल्स के लिए एक मिसाल कायम की है। बलूचिस्तान जैसे कबायली माशरे में रहते हुए खवातीन का ऐसे शोबे में आगे आना यकीनन एक गैर मामूली कदम है, जिससे सूबे में रहने वाली दीगर खवातीन को भी हौसला मिल रहा है। कैमरामैन यासिन बलोच के साथ मोहिबुल्ला खान, सुनो न्यूज़, क्वेटा।